दिल्ली में पुलिस और वकीलों में झड़प का मामला, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भेजा लीगल नोटिस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है। हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये नोटिस भेजा गया, पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। दिल्ली के रोहिणी साकेत कोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन, तो दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं वकील और अब लीगल नोटिस यहां पर भेजा गया है। तो दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर कार्रवाई की मांग इन वकीलों की तरफ से की जा रही है। तो दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच झड़प का ये पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने अब लीगल नोटिस यहां पर भेजा है। तो जिस तरह से पूरा मामला गरमाया हुआ है, जहां दिल्ली पुलिस के जो कर्मी है उनकी तरफ से वकीलों पर एक्शन की मांग की जा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ये लीगल नोटिस भेजा गया है और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है वो यहां पर की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नाराजगी यहां पर बनी हुई है, वकीलों की तरफ से लगातार जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है। और इसी बीच अब ये अपडेट सामने आया है कि लीगल नोटिस दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा गया है, जिसके जरिए पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। 2 नवंबर का ये पूरा मसला था, झड़प पुलिस और वकीलों के बीच हुई थी। पिछले 4 दिन से ये लड़ाई दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच चल रही है। अगर बात करें, क्योंकि 2 नवंबर 30,000 कोर्ट में ये झड़प हुई थी और ये झड़प अब इतनी बढ़ गई है कि वकील और पुलिस आमने सामने हो गए हैं और अब ये लीगल नोटिस के जरिए कार्रवाई की मांग की गई है।